थोड़ी सी ठंडा करके खाते हैं, लेकिन गर्मी में जैसे ठंडी चीजें अच्छी लगती है, ठंडी का समय में हमें गर्मी का चीज अच्छी लगती है। उसने देखा ये खीर ठंडा ना गर्मी, उसने अपना अंगुल को वो खीर को अंदर में डाला, डालते ही वो खीर था गर्मी। जब उसने अंगुल डाला उसका अंगुल फुफला मिल गया, जल गया, जल गया। तो जो ध्यान में बैठा हुआ था और वहां कुछ है ही नहीं, लेकिन केवल मानसिक रूप में जब वो ध्यान में बैठा हुआ था उसका ध्यान, और उसने देखा उसका अंगुल जला हुआ फुफला पड़ा हुआ, अभी बैठ बैठ करके रो रहा है। आज ठाकुर जी को मैंने भोग नहीं लगा सका क्योंकि मेरा जो अंगुल वो खीर में जल गई, इसलिए जो खीर ये हो गया अपवित्र हो गया। आज ठाकुर जी भूखे रह गए, अभी बैठ बैठ के रो रहे। इतने में वैकुंठ में नारायण माँ लक्ष्मी ठाकुर जी की चरण की सेवा कर रही थी और नारायण बैठ बैठ के तो मुस्कुरा रहे। लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आज आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो उन्होंने सारी घटना सुनाई। मरते जगत में ऐसे मेरे भक्त है, वो मानस के रूप में भी सेवा करते 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 उसने खीर भोग लगाने के लिए उसने अंगुल डाला तो उसका अंगुल फुफला पड़ गया। वो सोचा ठाकुर का आज मैं सेवा नहीं कर पाया, इसलिए बैठ बैठ करके वो भक्त रो रहा। बोले प्रभु जी मरते जगत में ऐसे भक्त रहते? हाँ मेरे बड़े प्यारे प्यारे भक्त रहते। बोले मेरे को वो भक्तों को दर्शन करा। बोले चलो तेरे को जा करके दर्शन कराते। फिर उन्होंने गरुड़ जी को पीठ पर बैठ करके आए। बोले देखो ये भक्त कैसे बैठ करके कैसे रो रहा है। फिर ठाकुर जी वो भक्तों को भी गरुड़ को पीठ पर बैठाए और उसको सीधा अपना धाम में ले गए। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हम लोग कहीं भी हो, अगर मानसिक रूप में भी हम भगवान की सेवा करते हैं, ठाकुर जी हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं। इसलिए आप लोग तो ब्रिजबेन में बैठे हो, हैं? वो ब्रजबन है, ब्रिजबेन नहीं ब्रजबन है, ब्रजबन है। इसलिए आप लोग आज हम लोग मानसिक रूप में भले ही शरीर में कहीं रहे, लेकिन मानसिक रूप में कल हम लोगों ने जहां जहां हम लोगों ने दर्शन करने के लिए गए थे, हम उसका थोड़ी 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 उसकी मैं बात बताऊ, ठीक है? कल सर्वप्रथम आप लोग ये सोचो, अभी आप लोग कहाँ पर? श्री वृंदावन चौरासी ब्रज मंडल परिक्रमा को ब्रिजबेन तो बैठे हो और हम कर रहे हैं। इसी भाव से आप सोचो कि आप वृंदावन में हम बैठे हैं। हम सर्वप्रथम कल गए श्री दाऊ जी मंदिर में गए। कभी जो दाऊ जी है, कभी ब्रज का राजा कौन है? बोले श्री दाऊ दया, श्री बलदेव प्रभु ब्रज के राजा श्री बलदेव प्रभु। इसलिए जो दाऊ जी को हम लोगों ने दर्शन किया है, इसलिए जो ब्रज में श्री बज्रनाभ कृष्ण की जो बेटा का बेटा का बेटा, उसने चार देव को उन्होंने स्थापन किया है। कहते एक बलदेव, बोले कहाँ पर? बोले दाऊ जी में बलदेव, मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, और कहते केशव देव और गोवर्धन में हरिदेव। जिसमें ये देव शब्द है, उन्होंने चार देव को उन्होंने स्थापन किया। इसलिए कल हम लोग गए थे बलदेव, गए थे श्री बलदेव प्रभु का दर्शन किया। कहते बलदेव प्रभु कौन है? इनका क्या विशेष महिमा है? इनका क्या विशेष महिमा? कहते श्री बलदेव प्रभु ये कृष्ण से अभिन्न है, दुई भाई एक तनो समान प्रकाश। कृष्ण देखने में काले और बलदेव प्रभु देखने में गोरे, केवल इतना फर्क है। इसलिए लेकिन तत्व तो वो एक ही तत्व, केवल लीला रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने दो रूप में प्रकटित हुए। एक समय गोलोक वृंदावन में कृष्ण कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं अकेला तो लीला कर ही नहीं सकता हूँ जब तक हम बहु नहीं हो, इसलिए उन्होंने एक अभी बहु श्याम जब इच्छा की तब उनको वाम अंग से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और डाहन अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री बलदेव प्रभु को स्तुति करते हैं, भले संकर्षण कारण साई गर्भो
साई चपय साई ससा सजसा ससकला स्वानंदाक्षराम शरण प्रपद्ये। श्री नित्यानंद प्रभु स्तुति करते ये कौन है, ये जो बलदेव प्रभु कहते ये कृष्ण से अभिन्न श्री बलदेव प्रभु और उनसे जो प्रकट हुई है श्री मूल संकर्षण और मूल संकर्षण से अरे चतुर्व्यूह अरे उससे जो संकर्षण अरे तीन विष्णु कारण तो साई विष्णु गर्भ तो साई विष्णु खिराब साई विष्णु और शेष रूप में ठाकुर जी की अनंत सज्जा रूप में वो लेट हुए। इसलिए जो कृष्ण का जो संपूर्ण स्वरूप है सत चित आनंद ये तीनों से भगवान का स्वरूप बना हुआ तो सात अंश में श्री संधिनि शक्ति के अधिष्ठान देवता श्री बलदेव प्रभु और चीत में ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण और आनंद में आनंद स्वरूप श्री राधा रानी। कृष्ण का तभी ये पूर्ण स्वरूप बनता है लेकिन जब तक कोई आधार नहीं हो बलदेव प्रभु कौन है कभी ये धाम रूप में कृष्ण को भी जो धारण करते हैं। इसलिए श्री महाप्रभु कृष्ण जन्म होने से पहले श्री बलदेव प्रभु जन्म धारण करते हैं क्योंकि कृष्ण को प्लान को धारण कौन करेगा श्री बलदेव प्रभु धारण करते हैं इसलिए इनका नाम बलदेव। बलदेव मतलब क्या, बल मतलब होता है बल, देव मतलब होता है ये बल का जो अधिष्ठान देवता, बोले ये कौन सा बल का ये अधिष्ठान देवता, बोले ये भक्ति बल। यही बलदेव प्रभु हमें भक्ति में जो बल देने वाले श्री बलदेव प्रभु। इसलिए जब श्री गर्गाचार्य ने इनका नामकरण किया तो वो भी कहते हैं बोले अयम रोहिणी पुत्र ये जो रोहिणी का पुत्र है अपना गुण को द्वारा सभी को उन्होंने पूरित करेंगे बोले बलाद बलम विदु इसका एक नाम होगा बलदेव क्योंकि बड़े बलवान बड़े बलदेव प्रभु बड़े बलवान थे इसलिए कहते इनका नाम बलदेव होगा और एक नाम होगा संकर्षण। बोले संकर्षण क्यों होगा, पहले देव के गर्भ में आए और उनको जोग माया आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में उनका स्थापन किया और कभी जतुवंश और गोप वंश में अगर कभी किसी कारण से अगर मन उठा हो जाए ये दोनों को इकट्ठे करके रखेगा इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। और बलदेव प्रभु इनकी कृपा से ही हमें भक्ति का बल मिलता है इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो क्या कहते हैं बोले एकता की आवाज नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करी श्रद्धा में तो दिया देह कृष्णा नाम धरि ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर के दासे करुणा करी। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हम अकेले हमें भगवान की बल हमें नहीं मिल रहा है आप कृपा कर लीजिए वैष्णव ठाकुर सर्वश्रेष्ठ वैष्णव ठाकुर श्री बलदेव प्रभु आप हमें कृपा करके भक्ति की बल हमें प्रदान करो। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वो क्या कहते हैं बोले संसारे अपार हैया भक्ति रसकारी जे डूबी वैसे भजो नीताई चते। अगर कोई संसार से पार होकर के भक्ति रसों में अगर कोई गोता लगाना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा बोले जे डूबी वे अगर कोई गोता लगाना चाहते हो से भजू को निताई चाहते रे वो किसकी भजन करे बोले नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु को भजन करे। इसलिए लोचन दास ठाकुर कहते हैं बोले अवध करुणा सिंधु काटिया मुहाना हरे हरे बोले प्रेम आवियार बाल। लोचन दास ठाकुर कहते हैं उदाहरण देते हैं नित्यानंद प्रभु ने क्या किया तो उन्होंने उदाहरण देते हैं जैसे एक तरफ में प्रेम का बाढ़ है लेकिन वो बीच में बहुत बड़ा बांध था डैम था लेकिन एक तरफ में पूरा की पूरा कृष्ण प्रेम की भरा
हुआ है। नित्यानंद प्रभु ने किया क्या, वो जो बांध जो डैम उन्होंने काट दिए, काटने पर क्या होगा, पूरा इतना तेजी से पानी आएगा, सामने जो आएगा उसको डुबा देगा। उसी तरह नित्यानंद प्रभु उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का प्रेम को उन्होंने डैम को काट दिया तो, और वो प्रेम की जो बाढ़ आया और सामने जो आया सबको उन्होंने डुबा दिया है। कहा से नवद्वीप से प्रारंभ हुआ, इसलिए उदाहरण देते हैं महाप्रभु मूल स्कंध है, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य उसमें विशेष करके दो टहनिया, और वो टहनिया बढ़ते 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 कहते एक दिन वो ब्रिजबेन में पहुंच गया है। वो टहनिया एक टहनिया टहनिया में कौन, मतलब भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उसमें भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के टहनिया से भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जैसे एक टहनिया आई बास वो ब्रिजबेन में पहुंच गया, और वहां पर जितने भक्त थे ना बास उनको भी कृष्ण प्रेम में उनको भी डुबा दिया। लेकिन वो प्रेम को लाने वाले कौन है, बोले श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं नीताई को न मानी अमर, नीताई को न मानी अनिया प्रेमेरा बन्या भाषाई लहवानी। नित्यानंद प्रभु कौन है, बोले नित्ताई गुण मणि, कहते गुण की मणि सदृश है, बड़े गुणवान है, उन्होंने अनिया प्रेमेर बन्या इन अनन्य प्रेम की बाढ़ लाए और सब कुछ या को उन्होंने डुबा दिया। प्रेमेर बन्या लया नित्ताई आई ला गौर से डूबिला भगत जन दीन हीन भासे। उन्होंने क्या किया, प्रेम को ला करके उन्होंने एक विचार नहीं किया ये पापी है ये पुण्यात्मा, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया, जो भी एक बार आ गया आकर के उनके सामने आ गए उन्होंने सबको प्रेम उन्होंने प्रदान किया। इसलिए श्री श्री लोचन दास ठाकुर के कीर्तन में कहते हैं दयाल नीताई चैतन्य भोले नाचे अमर मन, दयाल नीताई चैतन्य भोले नाचे अमर मन, नाचे अमर मन, नाचे अमर मन, हे मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे, अपराध दूर जावे पावे प्रेम धन, दयाल नीताई कल्याण करने वाले
इसलिए बलदेव प्रभु का अभिन्न विग्रह रूप में श्री गुरुपाल पद्म जगत में आते हैं और हम सबको गुरु जी की कृपा, हम जितने बड़े पापी होने पर गुरुदेव हमें हरिनाम दीक्षा देकर गुरुदेव हम संसार से उद्धार करते हैं। इसलिए हमारे जो गुरुदेव को हम क्या समझते हैं, ये नित्यानंद प्रभु अभिन्न बलदेव अभिन्न श्री गुरुपाल पद्म, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो काम है कदा हमारे गुरुदेव वही काम को करते हैं, है? वही काम तो श्री गुरुपाद पद्म करके हमारी तक उन्होंने भक्ति को हमारे तक पहुंचते हैं। इसलिए कल हम लोग ने कहां पर गए थे, श्री बलदेव प्रभु के पास में गए थे, उनका दर्शन किया, उनसे कृपा प्रार्थना करके फिर हम वहां से फिर हम आगे बढ़े, आगे उसके बाद हम लोग गोकुल आए। कल इस स्थान का नाम है गोकुल। गोकुल का मतलब क्या, बोले गो मतलब गैया, गाभी, गो वेद पृथ्वी इंद्रिया है, इसलिए कृष्ण का एक नाम भी गोविंद, मतलब ये सबको जो आनंद प्रदान करते हैं कहते श्री गोविंद है। और गोकुल मतलब जहाँ पर गैया की समूह और जहाँ पर बाल बाल गोप का समूह, गोपियों का समूह जहाँ पर निवास करते हैं उस स्थान को गोकुल कहते हैं। इसलिए उसको उदाहरण देते हैं वो गोकुल कैसे, बोले कि जैसे कमल का फूल, जैसे कमल का फूल जैसे पंखुड़िया होती है और बीच में उसका कर्णिकार होता है, उसी तरह जो गोकुल है ये कर्णिकार ये बीच, और जैसे उसका अलग अलग पंखुड़िया होती है, यहाँ पर जो बार उपवन बन है, बार जो उपवन है वो अलग 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 वन रूप में प्रकाशित है। इसलिए कल हम लोग ने गोकुल में गए थे जहाँ पर कृष्ण ने जन्म ग्रहण जहाँ पर किया, इसलिए हम कहते ना नंद के आनंद भय हो जय कन्हैया लाल की। इसलिए हम लोग गोकुल गए थे, जब गुरुदेव गोकुल में आते थे गुरुदेव कहते थे अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट भागवत ग्रंथ को पढ़ेगा जितने भी जगत में किसको पूछो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुई, गुरुदेव कहते सारा दुनिया एक ही बात बताएंगे कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, लेकिन गुरुदेव कहते थे कृष्ण मथुरा में जन्म हुए ही नहीं, कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए हैं, लेकिन जो कृष्ण जन्म हुए हैं कृष्ण गोकुल में कृष्ण जन्म हुए। इसलिए गुरुदेव का वहां के जो पंडितों के साथ में बुद्ध बड़े तर्क वितर्क करते थे, क्योंकि उनको बताया नहीं भागवत केवल पढ़ते हैं, इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर संग तब तो बुझी में तुम्हें सिद्धांत करें। अगर सिद्धांत की तरंग भी सिद्धांत के अंदर में अगर कोई प्रवेश करना चाहते हैं कहाँ पर जाकर कथा सुने, मतलब चैतन्य महाप्रभु का भक्तों को पास में सुने, तभी शास्त्र का गहरा की गहरा तत्व को आप समझ सकते हो। इसलिए गुरुदेव वहां पर प्रमाण करते थे, गुरुदेव बोलते थे बोले देखो भागवत में ये बात स्पष्ट रूप में बताई गई कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए गोकुल में, बोले कहाँ पर कौन सा श्लोक है, कहते गोपी गोपियों ने जो गोपी गीत को उन्होंने गाए है, गोपी गीत का जो पहला श्लोक गोपी राधा रानी की, सब मिल करके ये बात कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, बोले जयती जन्मना प्रजा में जन्म लिए हो, ये वृंदावन का
करोगे एक रकम पाएंगे। तो तुम जब नामकरण करोगे ऐसे एक नाम रखो जो मेरे साथ में नाम जुड़ता हुआ के नाम जुड़ता हुआ नाम हुआ। इसलिए गर्गाचार्य काल दृष्टा से गर्गाचार्य और साधारण गर्गाचार्य नहीं। इसलिए गर्गाचार्य जब नामकरण किया वहां पर भी गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, बोले क्या कह रहे हैं, कद बोले श्री नंद बाबा बोले प्राग अयम वसुदेवस्य कोचित जात तबा तबात्मज, जो बेटा है ना ये तेरा ही बेटा है। लेकिन चूंकि ये कभी वसुदेव का लाला बनकर के जन्म हुआ है इसलिए इसका नाम तो कृष्ण तो होगा ही, लेकिन कृष्ण के साथ साथ में इसका और एक नाम भी होगा जिसका नाम होगा वासुदेव नाम। गर्गाचार्य स्वयं करे नंद के लाला का जब श्री कृष्ण जन्म हुए, कृष्ण जन्म लेने पर वहां पर भी कृष्ण जन्म होने पर वहां पर श्री पहला जो श्लोक है, हैं जो पहला जो श्लोक है वो श्लोक में भी कहते हैं बोले नंदस्तु आत्मद जाता आद महामुनि। नंद के जब लाला हुए वो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने इतने दूध दही की उन्होंने दान इतने हीरे जवाहरात उसने दान दिया जिसको ब्राह्मण लोग गठली बांध करके ले नहीं पा रहे थे, वो गठली की कोड़े से गिरते 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 जा रहा था। इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि कृष्ण नंद के लाला है। बोले श्री नंद के लाला की जय। मतलब जो गैया को चराते हैं नंद बाबा जिनकी अंग से ये प्रकट होती है, इसलिए ये नंद बाबा का ही ये लाला है। इसलिए भागवत में बहुत सारे श्लोक है, माता कुंती जब स्तुति करती है वो भी कहती है बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उन्होंने कृष्ण को उन्होंने कहते कृष्ण कौन है, बोले ये नंद बाबा का ये लाला। इसलिए बहुत सारे श्लोक है गुरुदेव प्रमाण करते थे कृष्ण मथुरा में प्रकट हो गए है, लेकिन कृष्ण जो जन्म हुए जैसे माँ की पेट से स्वाभाविक रूप में एक बच्चा जन्म लेता है। इसलिए गुरुदेव और एक बात कहते थे बोले कोई भी ब्रजवासी कभी नहीं बोलेगा कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए है, क्योंकि बच्चा जब जन्म होता है उसका नाड़ी कट जाती है, नाड़ी काटी जाती है। इसलिए नाड़ी कटने से पहले जो दान है वो दान को अक्सर दान कहते हैं। ब्रज गोपिया बोलती है हमने अपना आंखों से देखा, हम लोगों ने अपना हाथों से नाड़ी हमने कृष्ण की काटी, फिर कृष्ण मथुरा से कैसे प्रकट हो गए, जन्म कैसे हो गए। इसलिए कृष्ण कहाँ जन्म हो गए, ये गोकुल में ही कृष्ण जन्म हो गए है। इसलिए कल हम लोग ने गोकुल गए थे जहाँ पर कृष्ण का जन्म उत्सव हो, हम लोगों ने वहीं पर जा करके जियो श्याम लाल जियो श्याम लाल दिल्ली तेरी पगड़ी रंग लाल जियो श्याम लाल जियो श्याम लाल दिल्ली तेरी पगड़ी रंग लाल गोकुल में आयो नंद लाल गोकुल में आयो नंद लाल गया अब पारा गोपियों से बढ़ गया अब जय।
उसको बाद में हम लोग ने उखल बंधन, जहाँ पर भैया ने कन्हैया को जहाँ पर उखल में बांध दी थी, हम लोग उखल बंधन में भी हम लोग गए, जहाँ पर मैया जितना बार कोशिश करती थी बांधने के लिए उसमें दो अंगुल कम पड़ जाती है। बोले दो अंगुल क्यों कम पड़ जाती थी, एक अंगुल तो साधक का साधारण चेष्टा और जो दूसरा अंगुल है भगवान का कृपा, कब जब ये दोनों मिलेगा फिर जाकर काम बनेगी है। तो गुरुदेव उदाहरण देते थे एक मार्जार ज्ञान और एक बंदर ज्ञान है। मार्जार मतलब बिल्ली, अब देखना जो बिल्ली का जो बच्चा होता है वो कुछ नहीं करता है, माँ उसको मुंह में पकड़ करके यहाँ से हुआ वहां से हुआ फिर भी दस दस बार घुमाएगा है। इसका मतलब है, इसका मतलब होता है जब कोई साधक ये सोचे अरे ठाकुर को इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता हम क्या कर सकते हैं, जब उसका इच्छा होगा तब होगा। कुछ तरह का लोग ऐसे होते हैं, दूसरे तरह का लोग मतलब बंदर न्याय, बंदर का बच्चा, बंदर का मैया कुछ नहीं करता है, उसका बच्चा मैया को इसे पकड़ करके रखता है, अब बंदर यहाँ से वहां वहां से वहां छलांग लगता है, अगर बीच में बच्चा छोड़ दिया ना फिर उसका माँ उसको उठा देता है, ये नियम है, इसलिए पैर नहीं उठाएगा। इसलिए कहते जिसका तात्पर्य क्या, जब कोई साधक चेष्टा करता है अरे हम कैसे साधन करेंगे ना हम ठाकुर जी को प्राप्त करके रहेंगे हाँ ठाकुर, कहते भैया ये भी काम बनने वाला नहीं, फिर कैसे काम बनेगा, बोले जब ये दोनों मिलेगा। जैसे मैया जसोदा ने पहले तो कोशिश की कृष्ण को बांधने के लिए और उनने पूरा ब्रज की रस्सी खत्म हो गया, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पाई, बोले क्यों नहीं बांध पाई, कृष्ण अनंत असीम, इसका बाहर नहीं इसका भीतर नहीं, तो उनको कैसे मैया बांध सकती है। लेकिन जब अपना सारी चेष्टा खत्म हो गया कृष्ण को बांध नहीं सकी, गोपियां वहां पर खड़ी करके मैया की खिली उड़ा रहे थे, बोले भैया तेरे लाला की ललाट पर बंधन विधाता ने नहीं लिखा, तू कैसे उसको बांधोगे। भैया बोले मैं नहीं बांध सकती, बांध करके मैं रहूंगी, मैंने कोक से जन्म लिया, लेकिन जब अपना चेष्टा की लेकिन बांध नहीं सकती, लेकिन कब बांध पाई, जब देखा उसको सारी चेष्टा खत्म हो गई, कृष्ण इस तरह से बांध नहीं पा रहे हैं, और उसी समय में उन्होंने गृह देवता जो नारायण उनके चरण में शरणागत हो गई, बोले हे नारायण तो मेरी लाज को तू बचा, मैं सब पर इसे साफ तक हो गया इसको पीछे बांध नहीं पा रहे, इसलिए कहते माता परिश्रम दृष्टवा कृपया आसीत सुवर्धने, माँ की परिश्रम को देख करके भगवान को बांध नहीं पाई, भगवान स्वयं बंधन को स्वीकार किया, कृष्ण को नहीं बांध। यहाँ शिक्षा देते हैं हमारे अंदर भी दो चेष्टा रहनी चाहिए, पहले साधन के लिए कोशिश करनी चाहिए है, जब तक हम साधन नहीं करते हैं हम साध्य वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, साधना भी करनी चाहिए है। जैसे गोस्वामी लोगों ने विशेष करके जो महीना है और अभी जो समय चल रहा है, देखो ये 20 साल को बाद में ये महीना आया है, हर लास्ट को इसमें पंचम कहते लास्ट 5 दिन होता है, कब कब 4 दिन हो जाता है 5, लेकिन जो इसी साल में 6 दिन आया है, इसी साल 6 दिन, जब 6 दिन आता है जगन्नाथ जी को एक नया ड्रेस पहनाया जाता है जिसका नाम कहते नागार्जुन ड्रेस, जगन्नाथ जी स्वयं सज धज करके ढाल लेकर अस्त्र शस्त्र को साथ में सज करके अपना भक्तों को रथिया करने के लिए जगन्नाथ जाते हैं, कहते ये जो लास्ट जो 5 दिन जब 6 दिन होगा तभी ये जाएगा, इसी बार वो 6 दिन पड़ा है, इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को नागार प्रवेश कराया जाता है, ये 20 साल को बाद में ये साल आए, इसलिए ये जो महीना की ये जो समय है ये समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति चातुर्मास से पालन करते बहुत बढ़िया है, जो चातुर्मास से पालन नहीं करेंगे केवल कार्तिक मास पालन करते हैं वो और भी अच्छा है, वो भी बढ़िया, लेकिन अगर कुछ कोई जो कुछ नहीं कर पाए
अगर लास्ट का जो 5 दिन जो 6 दिन अगर कोई सही सही रूप में इसको पालन करे तो उसको 4 मास व्रत करने का फल मिल जाता है। इसका मतलब है चतुर्मास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन अगर 5-6 दिन को अगर अच्छे तरह से कोई करेगा तो उसका विशेष विशेष महिमा। इसलिए इस बार 6 दिन आया, इसलिए कोशिश करनी चाहिए इस समय में जितना हम हरिनाम करते हैं थोड़ा ज्यादा माला संख्या बढ़ा दें, ठाकुर जी को रोज बड़ी सुंदर फूलों से श्रृंगार करें, रोज भागवत ग्रंथ को रोज कोई भक्ति ग्रंथ को रोज पढ़े, भक्ति ग्रंथ को रोज रोज उसका अध्ययन करें। कोशिश करनी चाहिए कि जो लास्ट जो 6 दिन को विशेष विशेष पूर्वक जतन पूर्वक इसको हम जीवन में आचरण करने के लिए। इसलिए इसे जो 2 अंगुल 1 अंगुल हो गया साधन का साधन चेष्टा है, मतलब हमें चेष्टा करना पड़ेगा, लेकिन वो चेष्टा कैसे होनी चाहिए, वो चेष्टा होनी चाहिए शरणागत युक्त होकर के, नहीं हम अपना चेष्टा से प्राप्त कर लेते कैसे, नहीं हम तो चेष्टा कर सकते हैं लेकिन जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी ये चेष्टा फलीभूत नहीं होगा। इसलिए हम लोग दुखल बंधन में गए थे, उसके बाद में हम लोग ने गए रामण रेती, हम लोग ने गए रामण रेती, मतलब रामण मतलब होता है विहार करना, रेती मतलब होता है बाग। पिछले ब्रज में एक रामण रेती नहीं, ब्रज में बहुत जगह पर रामण रेती है, जहां जहां पर कृष्ण गए अपना गोपी सखाओं को साथ उन्होंने खेला किया है, उस स्थान का नाम पड़ गया रामण रेती नाम पड़ गया। इसलिए कल हम लोग जो रामण रेती गए थे है रामण रेती, वो कौन सा रमण रहती, कृष्ण जब गोकुल में जब 3 साल 2 महीना तक रहे और बचपन में वहां पर कृष्ण ने जो लीला की है उस स्थान का नाम रमण रहती पड़ गया। एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में गए, सखाओं के साथ में जा करके बच्चों के साथ में धूल में खेल रहे थे जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, और अब लोग बचपन में खेले होंगे कि नहीं पता है, सुन अब लोग खेले होंगे कि नहीं, जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं अपना प्यार को रख करके उसको ऊपर में धूल रख देते हैं बाहर ली, फिर जब प्यार को निकाल दो देखना एक सुंदर घर सा बन जाता। इसलिए कृष्ण का सखाओ ने रावण रेत में खेल रहे थे और उसको ऊपर में फूल पत्ता लगा देते हैं, कोई कहता है ये मेरे किचन रूम है, कोई कहता है ये मेरे डाइनिंग रूम है, कोई कहता है ये मेरे बेडरूम, सब 8-8, 10-10 ऐसे घर बनाए। कृष्ण ने सोचा मैं भी 2-4 घर बनाता हूँ। इसलिए कृष्ण जब प्यार रख करके उसको ऊपर में धूल रख करके जो प्यार को हटाते हैं वो धस जाता है, वो घर नहीं बनता है, बोले सबका घर बन रहा है मेरा ही घर नहीं बन रहा है, मेरा ही नहीं घर बन रहा है। इतने में आकाश से देवतालों को दर्शन करते थे, बोले देखो जिनकी केवल एक इशारा पर बोले जस प्रभाव प्रभाव तो जगत दंड कोटी केवल एक इशारा पर अनंत अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है। लेकिन आज ठाकुर जी 2-4 घर ऋषियों का 2-4 घर को बना नहीं पा रहे, पिछले साल देवतालों का आकाश मार्ग से सारे देवतालों को दर्शन कर रहे थे। इतने में कृष्ण क्या किया, कृष्ण को बड़ा क्रोध आया, बोले रेती नहीं बन रहा है। इतने में कृष्ण जहां पर उन्होंने मिट्टी को रखाया था, इसलिए हम लोग कल ब्रह्मांड घाट में भी गए थे जहां पर कृष्ण जब उन्होंने मिट्टी खाए सखाओं ने जाकर के मैया से शिकायत करके बोले मैया आज कान्हा ने मिट्टी खाई, मैया बोले अभी तक मक्खन खाता था चोरी चोरी करके, मैंने मिट्टी खाना शुरू कर दिया, क्या मेरे घर में मक्खन मिश्री की कमी। सीधा मैया वहां पर आई और सीधा कृष्ण को कान को पकड़ है, विश्व ब्रह्मांड को जो कान पकड़ कर उठाते हैं बैठाते हैं आज मैया उसको सीधा कान पकड़ कर बोले तू अपवित्र गंदा बच्चा है, मिट्टी तुमने खाई, लेकिन हम क्या कहते हैं नाम अपवित्र अपवित्र वा सर्वावस्था तत्व विवाह जह स्मरी पुनर्काख्यम समाया, जिनका नाम लेते ही बाहर की तरफ पवित्र हो जाते हैं, आज मैया को कह रहे हैं तो
सीधा एकदम सफेद झूठ बोल दिए, बोले ना अहम भक्षितवान हो सर्वे मिथ्या विसर्जनम। बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले सकाल को बोल रहे मिट्टी खाए तुमने, हैं वो क्या वो मिट्टी खाए हो, ये क्या झूठे बोल रहे हैं? बोले हाँ मैया ऐसा हम झूठे बोल रहे हैं। बोले तू अकेला सत्यवादी हरिश्चंद्र, तू अकेला और सब झूठ बोल रहे हैं। बोले गाँव क्या झूठ बोल रहा है? बोले मैया आज पता नहीं सवेरे उठकर किसका मुंह हमने देखा है, पता नहीं सवेरे किसका मैंने मुंह देखा, मैंने किसका मैंने मुंह देखा पता नहीं। आज ये जो दाव दिया है ना, ये सखाओं पक्ष में हो गया, लेकिन ये देखने में तो ऊपर गोरे है, लेकिन ये अंदर में पूरा काले 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 काले। भैया मैं ऊपर में तो काला हूँ, भैया अंदर से मैं भाग गोरो हूँ। यहाँ पर क्या कृष्ण क्या बोलते हैं? बोले दाव बलदेव प्रभु ऊपर तो गोरे है लेकिन अंदर से काले, क्योंकि बलदेव प्रभु मेरे को चिंतन करते हैं। इसलिए आप ब्रज में कहीं भी जाओगे, कहीं बलदेव प्रभु का गोरे नहीं देखोगे, सब जगह देखोगे काले ही काले, बलदेव प्रभु काले ही काले देखोगे। इसलिए ये कहते वो अंदर अंदर मेरे को चिंतन करते हैं ना, इसलिए वो अंदर से काले, लेकिन ऊपर में तुम्हें कारो हूँ काला हूँ लेकिन अंदर में बड़े गोरो हूँ। मतलब क्या? मतलब मैं हर समय बोले आत्मा तो राधिका है, मेरा जो आत्मा है ना वो श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी गोरी है इसलिए मैं गोरो हूँ। बोले जो सखा लोग बोलते हैं, बोले भैया आज क्या हुआ तुमको पता? बोले क्या? बोले ये सखा लोग ना अपना घर से चुरा चुरा करके लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिठाई चुरा चुरा करके लाते हैं, और तुमको पता होगा चोरी का चीज कभी खाता ही नहीं। लोगों ने मेरे को जोर जबरदस्ती बोले तुम खा लो, और मैं खाया नहीं, समझ गए? कृष्ण खाया नहीं हमारे घर में जा करके, भैया को पास में चुगली करेगा, हमारी निंदा करेगा। इसलिए मैं चुगली करने से पहले मेरे नाम पर चुगली करती, अब तू बड़ी भोली वाली, तू मेरे बात नहीं सुनती, इनकी बात सुनती रहती है। इसलिए कृष्ण, लेकिन जो हर माता है अपना बच्चे का कर्तुत्व मतलब बच्चे का क्रिया, हर माता को पता मेरे बच्चे कैसे है, मैया को पता मेरे कांटा जो है ना बड़ा कठिन है बड़ा चंचल है। इसलिए कृष्ण सोच रहे थे अगर मैं बोल दू, अगर हमने मिट्टी खाई तो मुंह से तो खाई, इसलिए मेरे मुंह खोल कर देख ले। इतने में कृष्ण ने बोले मैया मेरे मुंह खोल कर देख ले। कृष्ण सोच रहे थे अगर मैं बोलूंगा तो भैया मेरे मुंह नहीं देखेगा, लेकिन भैया कहाँ छोड़ने वाले, भैया तो एक धमकी लगाई, बोले मुंह खोल मैं देखना चाहता हूँ। जब उन्होंने एक फटकारा लगाए कृष्ण को तो डर गए और झट उनके मुंह खोल गया। जो मुंह खोल गया अभी कृष्ण सोच रहे हैं मेरे मुंह में तो मिट्टी खाया मिट्टी लगा हुआ, और एक भैया के हाथ में छड़ी डंडा और एक हाथ में कान पकड़ के रखी। अगर मैया ने देख लिया मेरे मुंह में मिट्टी है, फिर तो एक डंडा नीचे नहीं गिरेगा, सब पीठ पर गिरेगा। इसलिए कृष्ण क्या सोच रही है? मैया मेरे को मारे नहीं, लेकिन कृष्ण की एक इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति जो योग माया, कृष्ण की इच्छा होते ही वो सारी इच्छाओं को पूरी करती है। कृष्ण की क्या इच्छा? मैया मेरे को मारे नहीं। इतने में योग माया ने देखा अगर कृष्ण के मुंह में मैया ने मिट्टी देख लिया, फिर तो डंडा को डंडे को डंडे पड़ेगा। अगर मैं रहते रहते मेरे प्रभु को अगर पीट गए मार खाए, पर मैं रहना बेकार। इतने में जो माया ने क्या की, वो छोटी सी मुंह में उन्होंने अनंत ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र ब्रह्मा शंकर सारे सब कुछ मुंह में दिखा दिया, और मैया खुद को खुद देख रहे थे उसके अंदर में, मैया भी बैठी हुई है। इतने में जब मैया ने देखा विश्व ब्रह्मांड को, अरे मैया भी डर गई, बोले भैया हो ना हो मेरे लाला भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान को अंदर भी विश्व ब्रह्मांड है। मैया ने देखा जब जब कृष्ण ने देखा मैया की भावना हो रही है कि तो भगवान नहीं, अरे कृष्ण डर गए। बोले क्यों? बोले अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ क्या करेगा? जैसे घर में सालन राम के लिए छोटी सी मंदिर बनाई,
और थोड़ा पास्ता से आप भूख लगा करके परंतु और घंटा हिला करके तो नहीं माता चंदा तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्यांग द्रविण तुम्हें सर्वम मम देव देव जैसे करती है फिर दरवाजा बंद कर देती है भैया भी मेरे को छोटी सी घर बना करके उसका अंदर बंद कर देगी और जब मैं सखाओं के साथ में खेलता हूँ कैसे पता कृष्ण की क्या इच्छा है मैया ऐसे नहीं करे और इस कृष्ण की इच्छा समझ में थी जो जोग माया जिनकी सारी इच्छा पूरी करती है इतने में जोग माया देखा भाई गड़बड़ी हो गई उनने सारे लीला को अंदर ध्यान कर दिया है सारे लीला को अंदर ध्यान कर दिया अरे मैया देखती है वो छोटी सा मुंह और कुछ नहीं है छोटी सी मुंह और कुछ नहीं देखो यहाँ पर कृष्ण मिट्टी खाए थे आप बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं बोलो मिट्टी कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं तो कृष्ण यहाँ झूठ क्यों बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई दुनिया बोलेगी कृष्ण जब झूठ बोले दोष नहीं अरे हम झूठ बोले तो हमारे दोष नहीं अरे बड़े लोग जो करेंगे तो छोटे लोग तो वही करेंगे हाँ भगवान झूठ बोले हमारा कोई दोष नहीं हमारे झूठ में पाप लगता है तब यहाँ पर श्री बल्लभाचार्य कहते हैं भगवान कभी झूठ नहीं बोलते इसलिए भागवत का जो प्रथम श्लोक है बोले सत्यंग परम धीमहि वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं और जब कृष्ण मातृगर्भ में आए सारे 33 करोड़ देवता ब्रह्मा शंकर जितने देवता कृष्ण को गर्भस्तुति भी कर रहे थे क्या कर रहे थे बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सचोनी सत्य 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 मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक शरण प्रबद सारे देवता भगवान को सत्य सत्य बोलकर प्रार्थना कर रहे थे तो वो झूठ कैसे बोले तो बल्लभाचार्य उन्होंने दो उदाहरण दिया कृष्ण कैसे झूठ नहीं बोले बोले कैसे बोले जो शब्द है ना अहम भक्षी तबा नो जब उसको ना अहम मतलब मैं नहीं माँ मैं नहीं मिट्टी खाई उसको जब अलग करते हैं होता है मैं मिट्टी नहीं खाई लेकिन वो शब्द को जब अलग नहीं करके एक ही शब्द रहता है नाम नाम का पर्याय वाची उसका एक अर्थ होता है ब्रह्मांड बोले भैया तुमने मिट्टी की क्या बात करती हो ये तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड तो मैंने खा करके रखा तेरे को विश्वास नहीं हो रहा है देख ले मेरे मुंह को उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया एक अर्थ बल्लभाचार्य ने अर्थ दूसरा अर्थ कहते बल्लभाचार्य कहते खाना किसको कहते हैं जब हमसे कोई चीज अलग होता है जब वो चीज को हम खाते हैं उसको खाना कहते हैं लेकिन कृष्ण ने कहा मैंने कब भैया कब खाई देख ले ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में ये विश्व ब्रह्मांड है जब मेरे अंदर में ये विश्व ब्रह्मांड है मैंने खाया कब खा दिया तो मेरे इसलिए कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते हैं अरे कृष्ण ये मिट्टी खाए तो कृष्ण मिट्टी खाए कारण क्या है मतलब कारण बताए कृष्ण कह रहे हैं कि जो कदम मैया तू सोच रही हो मैं अकेले मिट्टी खाया नहीं भैया मेरे अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान ये ब्रज रज तो विश्व ब्रह्मांड ये ब्रज रज को विश्व ब्रह्मांड प्रार्थना करते उद्धव जी जब ब्रज में आए और उन्होंने ब्रजवासियों का प्रेम को देखा गोपी राधा रानी को प्रेम देखा उद्धव जी क्या कहते हैं बोले आशा महो चरण रेणु जुसाग महंसा वृंदावन किम विकुल लतोष उद्धव जी चाहते वृंदावन के घास बन जाओ जो गोपियां चल करके कृष्ण को साथ में अभिसार करने जाएंगे अगर घास बनेगी तो क्या जन्म दुनिया पर असर पड़ेगा पड़ेगा तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा उद्धव भी चाहते हैं कि वहां फूलम लता क्यों होना चाहते लता क्यों बनना चाहते बोले अगर लता बन करके जाएंगे कृष्ण जब प्रमद मदन लीला कंदर कंदर थे जब कृष्ण कुंज कुंजों में लीला करेंगे अगर लता मदा बन करेंगे जाएंगे तो दर्शन हो जाएंगे कहते वहां की औषध वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते बोले क्यों बोले कभी जब बीमारी होगी दवा खाएंगे अगर मैं औषध वृक्ष बनूंगा तो उनका हृदय चला जाऊंगा ब्रह्मा जी
ब्रह्मा भी वही फूल को प्रार्थना करते हैं, क्या ब्रह्मा जी देते हैं, बोले तद भोरी भाग्य भी जन्म की अटप्या जत गोकुल भी कथमांत्री रजो भी से कम। ब्रह्मा भी कहते बोले प्रभु मेरे को ब्रज का बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनको घर को सामने पत्थर जन्म दे दो तो वो घर को प्रवेश करेंगे, मेरे सर को ऊपर अपना चरण रगड़ेंगे तो उनकी चरण धूलि मिलेगा। किसने कहा ब्रह्मा जी आप इतने बड़े होकर के आप क्या कह रहे हो, छोटे जातियों का चरण धूलि लोगे? कहते नहीं जत मुकुंदम, कहते ये लोग भी बड़ी भाग्यवान क्योंकि कृष्ण जब हंसते हैं उनका जो हंसी है ना कहते कुंद पुष्प जैसे उनके दांत है, उनका कृष्ण की हंसी देख करके ब्रजवासी लोग प्रकुल लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उनका जो सौभाग्य है ना मेरा भी इतने सौभाग्य नहीं, ब्रह्मा भी उनके चरण धूलि चाहते हैं। इसलिए आपको एक भजन पता होगा, बल राधे तेरे चरणों की ब्रज धो लो जमिली जाए, राधे तेरे चरणों की। भजन में क्या कहते बोले राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए। इसलिए रसखान कहते हैं, रसखान क्या कहते हैं बोले रावण रहती लेट नहीं क्यों ना जमुना पान रे मन क्या तू समझे ब्रज की तत्व महान। अगर ब्रज का तत्व कोई समझना चाहते हैं उनको ब्रज में आकर दो काम करना पड़ेगा, बोले क्या ब्रज फूल में लेट खाना पड़ेगा, ब्रज रज में खाना पड़ेगा और यमुना में स्नान करना पड़ेगा। जब तुम ये दो चीज नहीं करेंगे बोले ब्रज की महिमा को हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने ये धूल को खाए पर इतने में कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे, कृष्ण फिर जब बछड़े बने हैं ब्रह्मा जी समय ग्वाल बाल को चोरी किया उस समय कृष्ण स्वयं बछड़े बन गए, बछड़े बनकर क्या किया अपने खास बछड़े खास खाते हैं, जब घास खाए तुमने ब्रज रज का तो सुगंध को है, ब्रज रज जब कोई खाते है घास मिट्टी से बनता है उसका सुगंध को भी कृष्ण बछड़े बनकर उनकी सुगंध को लिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण बचपन में क्या करते थे, एक दिन भैया यशोदा कृष्ण बलराम ने श्रृंगार किया बड़े सुंदर श्रृंगार करके बोले तुम दोनों बच्चे चलो मैं घर का काम कर। कृष्ण बलराम ने देखा जब जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आती है पता नहीं भैया ये वो रज वो की चरण की जो धूल और गोबर और गौमूत्र समय स्नान कराती है ये क्यों स्नान कराती है, इसमें है क्या चीज, चलो आज हम दोनों भैया गोबर गौमूत्र और जो कीचड़ यानी जो शरीर पर लगाए। और कृष्ण बलराम गए और जितने कीचड़ था और गौमूत्र गोमूत्र सारा शरीर को उन्होंने बोल दिया, इतने में मगनिया बलिए दोनों दुष्ट गए था बोले बलुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ हो, बोले भैया हम तो यहाँ बलुआ क्या कर रहे हो, जा करके देखा कितने सारे गोबर गोमूत्र कीचड़ भैया को तो क्रोध आ गया, बोले अभी अभी तुम दोनों का हमने इतना सुंदर श्रृंगार किया और जा करके सारे श्रृंगार बिगाड़ दिया। कान पकड़ कर कहते हैं बोले तुम शुकर हसी कतमो तनारी, कहते तना के हरी क्या तुम शुकर हसी क्या तुम पूर्वजन में स्वर था, ये गया ये बिल्ली में और गोबर में कौन लोट पोट खाते स्वर खाते और तू क्या पूर्वजन में स्वर था, कृष्ण ही से पूछ लिया हमको स्वर मिले मेरा कैसे पता चला है तेरे को ऐसे पता चला हम पहले स्वर थे क्यों भगवान बराहा अवतार लेकर के ये पृथ्वी को उन्होंने उद्धार किया था और उन्हें तेरा नाच चक्र ने बंद किया था। इसलिए कृष्ण ये ब्रज रज में उदाहरण देते हैं पंखा ये जो कीचड़ में कृष्ण जैसे सर्प जैसे है सर्प जैसे कीचड़ में चलता है कृष्ण बचपन में कैसे ये ब्रज रज में कृष्ण चलते थे और ब्रज रज को शरीर में लगाया करते थे। इसलिए कहते इनकी बात छोड़ दो कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले अनु ब्रजा भी अहम अग्रि रेणु भी मैं भी भक्तों को पीछे 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 चलता हूँ, बोले क्यों बोले इनका चरण धूलि उड़ करके मेरे सर के ऊपर पड़े और इनकी चरण धूलि की प्राप्त करके मैं अपना जीवन को धन्यवाद।
बना दूं। इसलिए कृष्ण स्वयं ब्रज का चरण धूलि, संतों का चरण धूलि में कृष्ण स्वयं अभिषित होना चाहते हैं। और जो ब्रज का जो रज किया है ये ब्रजवासियों का ये चरण, इसलिए हम लोग जो तिलक लगाते हैं, तिलक कहाँ से आता है कि नारद जी जब कृष्ण बुखार का लीला की है, उन्होंने सर दर्द बुखार की लीला की, जब नारद जी ने पूछा प्रभु जगत में आपके सबसे बड़े भक्त कौन है, बोले समय आने पर बता देना, उन्होंने बुखार सर दर्द की लीला की, लेकिन वैद्य को बुला करके दबा दिया लेकिन सही नहीं हुई। नारद जी बोले प्रभु सही कैसे होंगे, बोले कोई भक्त अगर चरण धूलि दे उसमें मेरे को स्नान कराया जाए तो सही हो जाए। बोले भैया यहाँ पर द्वारका भोगशाली भक्त पूछो, कोई देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब मैंने बोले तुम वृंदावन में जा, जो वृंदावन में गए जितने ब्रजवासी लोग थे सबके सब चरण को रगड़ रगड़ करके अपना धूल में इकट्ठे करके नारद का सर पर दिया, बोले जा कृष्ण को स्नान करा देना। नारद तो अक्के पक्के चक्के रह गए, बोले तुमको पता नहीं कृष्ण भगवान क्या इनके चरण धूल देकर नरक जाना चाहते हो। तो नारद तब से ही गोपियां क्या कहती है, बोले एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म के लिए हम नरक जाने के लिए तैयारी है, लेकिन कृष्ण का दुख हम सहन नहीं कर सकते, हमारे चरण धूल से अगर कृष्ण की सुख होगा, आनंद मिलेगा, बुखार सही होगा, हम उसमें ही सुख देखते हैं। बोले भैया असली सुख देखते यही लोग, वही जो चरण धूलि वही जो मिट्टी है वही का चरण धूलि है, इसलिए कुछ तो चरण धूलि वहां पर गिरा और कुछ चरण धूलि नारद लेकर के जो नवद्वीप जो धाम है और नवद्वीप धाम में ही ब्रजवासियों का चरण धूलि है, कुछ चरण धूलि लेकर के नवद्वीप धाम में वही गिरा तो वही श्री नवद्वीप धाम बना। बोले श्री नवद्वीप धाम की जय, सच्चिदानंद। आपका तबीयत जो कैसे का ख्याल ठीक है, महाराज को सुनाई नहीं दे रहा क्या? आपको तो जाना है, इसलिए आप 10 मिनट सुना दे। कल कल आप 10 मिनट राधा रानी की जन्म कथा सुना दे। जी हाँ जी ठीक ठीक राधा रानी। इसलिए कन्यश्री रूप गोस्वामी राधा रानी श्रीमती राधा रानी की जय, श्री कृष्णवान राज की जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। इसलिए राधा रानी की श्री रूप गोस्वामी ने ललिता माधव विदग्ध नाटक में जो राधा रानी की जन्म कथा कैसे दिया है उसको सुन लो, ठीक है जी। इसलिए कदश्री जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का जो बेटी ये पार्वती है, और पार्वती का जो पति शंकर जी, शंकर जी होने के नाते हिमालय पर्वत का बड़ा अभिमान है। मेरे जो दामाद है देव देव महादेव योगी योगी महाजोगी सत्यम शिवम सुंदरम, जो दूसरे दूसरे पर्वत को पास में जाकर के अपना बड़ाई करता है। जैसे इसी जगत में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो, नहीं तो कोई मुख्यमंत्री, अगर हमारे कोई संबंधी हो जाए ना, भले ही दूर से संबंधी हो, हम क्या करके बोले बताए प्राइम मिनिस्टर कौन है, अमुक लगता है प्राइम मिनिस्टर है।
में जा जा कर अपना अभिमान कर लिया। अरे जानते हो मेरे दामाद कौन है? वो साधारण नहीं, योगी योगी महायोगी है, सबको स्वयं 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 भोले बाबा। अभी एक विंध्याचल पर्वत था, उसको भी बड़ा अभिमान हुआ था। सब जगह में जाकर के अपना डी झाँकता है, अपना अभिमान करता है। बोले मैं, उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी को आराधना की। जब पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बोले मेरे को ऐसे के दामाद चाहिए जो हर गुण से शंकर जी से बड़े हो और शंकर जी उनका सेवक हो। तो ब्रह्मा जी तथास्तु कर दिए। लेकिन दामाद कब होगा? घर में बेटी हो तभी तो दामाद होगा ना, बेटी के बगैर दामाद में कहां से आएगी? लेकिन बेटी साधारण बेटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शंकर जी से हर गुण में अगर कोई सुंदर है, कोई बलवान है, कोई महिमा युक्त कौन? कृष्ण ही है। और कृष्ण का शक्ति श्री राधा रानी। अगर इनकी बेटी श्री राधा रानी हो फिर तो काम बनेगा। ब्रह्मा जी तो तथास्तु कर दिए। लेकिन जो राधा रानी वो नित्य कीर्ति का पुत्री है, ये कीर्ति का पुत्री श्री राधा रानी है। अभी अभी मैया कीर्ति था, गर्भवती थी। लेकिन ब्रह्मा जी जोग मैया को आदेश दे करके कृतिका के गर्भ से उन्होंने बच्चे को आकर्षण करके और उन्होंने स्थापन कर दिया श्री विंध्याचल की पत्री के गर्भ। और इनको ऐसे लगा मानो मेरी गर्भपात हो गया, तो गर्भ नष्ट हो गया ना गर्भ गायब हो गया। लेकिन अंदर की बात बताई नहीं चला। उपयुक्त समय होने पर विंध्याचल की जो पत्नी, उन्होंने दो कन्या को जन्म दिया, एक तो राधा रानी और एक चंद्रावली। इसलिए चंद्रभाग का जो पत्नी थी चंद्र सेना, उनकी भी बच्चे को लेकर के चंद्रावली को उनकी गर्भ में स्थापन कर दिया था। इसलिए उनको दो कन्या जन्म हुई, एक तो राधा रानी और एक श्री चंद्रावली जन्म हुई। जब दो कन्या की जन्म हुई, लेकिन इधर क्या हुआ, जिस समय वसुदेव महाराज गोकुल में कृष्ण को रख करके वहां से कन्या योगमाया को लेकर के आए, जब कंस को पता चला मेरा अष्टम गर्भ का संतान जन्म लिया, कंस भागते भागते आया। और अभी तक था थी तो योग माया, लेकिन फिर कंस पकड़ते ही होगी महामाया। उन्होंने उसको प्यार को पकड़ करके जब उसने मारने के लिए गए, इतने में उसने चरण की एक ठोकर मारे और मार करके आकाश में उतरे और आकाश में बोले उड़ करके, बोले हे बुढ़ा कंस तुम मुझे क्या मारोगे? तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले लिया, लेकिन वो अकेला जन्म नहीं, उसको शक्ति को साथ उसने जन्म लिया। और मैं जितने सुंदरी हूँ, मेरे से भी वो ज्यादा सुंदरी, मेरे से भी ज्यादा गुणवान है, मेरे से भी ज्यादा रूपवान है। अगर उसी लड़की को साथ में किसकी शादी हुई, वो कभी उसका पति कभी मरेगा नहीं, वो अजर अमृत को प्राप्त करेगा, जगत में सारा दुनिया में उसका जस मिलेगा। कंस ने जब उसने पुतना को भेजा, पुतना को बोले पुतना एक काम करियो, अगर कहीं लड़का मिले तो उसको मार देना, लेकिन अगर कोई लड़की मिलेगा ना उसको मारना नहीं, क्योंकि ये मेरी जो देवी ने जब मैं इसको पूजा करता हूँ, ये देवी खुद बताए उसको साथ में जिसकी शादी होगी सारा दुनिया में उसका जस मिलेगा, महिमा मिलेगा, इसलिए उसको मारना नहीं। इतने में पुतना ने किया कि वो उड़ते हुए गई और वहां पर श्री विंध्याचल पत्नी, वहां पर यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में पुरोहित बैठ करके यज्ञ कर रहे थे और उन दोनों बच्चों की पत्नी की गोद में थी और उन्होंने दोनों बच्चों को पतना ने पकड़ करके उन्होंने आकाश में उड़ चली, है एकदम आकाश में उड़ चली। जब आकाश में उड़ चली, इतने में जो विंध्याचल ने बताए उनको पुरोहित को, तुम ऐसे उच्चारण मंत्र को, मारना मंत्र को प्रयोग करो जैसे ये पुतना मर जाए। उन्होंने मंत्र को उन्होंने भेजा, मंत्र जब छोड़ा इतने में पुतना छटपट 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 करने लग गई। और इतने में उन्होंने दोनों कन्या को, एक कन्या जहां पर चंद्रावली का घर है एक कुंड में फेंक दिया और दूसरे कन्या को उन्होंने यमुना में फेंक दिया। इतने में रोज वृषभानु महाराज ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने जाते थे।
जब स्नान के लिए गए देखा एक सतदल कमल पुष्प भूमर में बड़ी सुंदरी एक बालिका किलकिल मारते हुए अपना अंगूठा चूस रही है। शरीर का ज्योति से चतुर्थी का उजाला उजाला उद्भासित हो रहा है। एक सुंदर बच्ची पहनते पहनते बैठा है। इतने में श्री नंद बाबा श्री वृषभानंद महाराज पानी में उतरे और वो लाली को अपना गोद में ले लिया। बोला श्रीमती राधा रानी की जय। उन्होंने गोद में लेकर के बेटी को उन्होंने अपना पत्नी को दिया। बोले देखो ठाकुर की बड़ी कृपा है, ठाकुर ने हमें एक लड़की दी। लेकिन वो लड़की जगह पर से आग बंद कर रखी। बोले क्यों? बोले जब सर्वप्रथम मैं अपना आग खोलूंगी सबसे पहले अपना प्रियतम कान्हा को देखू फिर ये दुनिया की किसी चीज को देखू। इतने में श्री वृषभानंद महाराज ने नौता दिया नंद बाबा को जो मेरे घर में लाली भाई आओ। इतने में श्री श्री हमारे नंद बाबा भी अपना कान्हा को लेकर के आए और जिस बिस्तरा में श्री राधा रानी लेट हुई थी उसमें उन्होंने कृष्ण को लेटा दिया। इतने में कृष्ण ने क्या किया अपना हाथ को श्री राधा रानी के ऊपर हाथ रखे उनका शरीर के ऊपर हाथ रखते ही कृष्ण का हस्त स्पर्श से राधा रानी रोम रोम खिल उठा। वो समझ गई मेरे प्रियतम आ गए हैं। फिर उन्होंने अपना आग खोल दिया। जब आग खोले और सामने उन्होंने श्री श्याम सुंदर को देखा। वृषभानंद महाराज सब मना रहे थे लेकिन जब देखा मेरी बेटी ने आज आग खोल दी तो और भी कुछ ज्यादा आनंद ज्यादा आनंद होकर के बड़े धूमधाम से उन्होंने राधा रानी को उन्होंने जन्म महोत्सव मनाए। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। मैं पीछे पीछे कीर्तन करता हूँ। बोले राधा जन्म सुनिया राधा जन्म गुरुजी महाराज की जय।
हरे कृष्ण महाराज जय। महाराज जी कल आप इसी समय कर सकते हैं कथा? कल मुझे लगता है प्रभु जी कल सब बरसाना जाएंगे। अच्छा सुबह जल्दी निकलेंगे। कल है ना, कल बरसाना है, कल कल कहाँ पर बरसाना है ना? कल बरसाना जाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ से 6 बजे हम लोग यहाँ से 6 बजे निकल जाते हैं। अच्छा जी 6 बजे निकल जाएंगे। अगर आप लोग और 1 घंटा आगे, अगर अभी कितना टाइम हो गया? 12 बजे वहाँ शुरू किया है, 10:30 बजे से अभी यहाँ 11:30 12 बजे 12 बजे अभी यहाँ घंटा अभी यहाँ 12 बजे 9 बजे से 12 बजे रहा है। यहाँ से अगर और जल्दी अगर आप आ सकते हो कोशिश कर सकते हैं तो 6 बजे हम निकलेंगे। बरसाना से करेंगे कथा। बरसाना में तो हम कथा करेंगे तो वहाँ बरसाना में जो लेकिन आप लोग जैसे यहाँ पर बैठ गए इकट्ठे सुन लिए लेकिन वहाँ पर तो ऐसे नहीं होगा ना, वहाँ पर तो अलग अलग जगह पर बैठ गए अलग अलग जगह कथा सुनेंगे। मैं सांकेतिक वर्ग में कथा सुनाऊंगा होगा तो अगर आप वहाँ से व्हाट्सएप करें तो हमें भी दर्शन हो जाएंगे। फेसबुक कर सकते हैं ये फेसबुक में ये भेज देंगे प्ले करके फेसबुक भेज देंगे। कितना बजे सॉरी फेसबुक पे तो यही है तो पता नहीं कितना देखते हैं। कृष्णा दे देंगे। आपका नंबर क्या है? आपका नंबर 8685 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 ठीक है। जी टाइम आउट टाइम आप उसको जो है आप उससे कंटिन्यू जो है वो देख पाएंगे सारे के सारे जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं जी कली युग के वो भी आप सुन पाएंगे। प्रभु जी का नाम मालूम कर प्रभु जी आपके क्या नाम है? चैतन्य चंद्र दास जी। पहली कथा कहाँ होगी? साकड़ी खोर में। तुम बहुत देरी में करीब 10 बजे पहले कथा होगी अभी महाराज कितने बजे वहाँ? 7 बजे कितना 7:30 बजे कथा शुरू हो जाएगी वहाँ पर। हाँ वहाँ पर तो हम तो समय पर होंगे ना। हाँ संडे है ना, हम लोग की देरी हो जाएगी। हाँ कल संडे जी। हाँ 7:30 वहाँ कितना बजे बताइए? 7:30 अगर सवेरे 5 से लेकर के 6 बजे जल्दी हो जाएगी यहाँ पे पहुँचेंगे नहीं लोग सोते जाएंगे वहाँ यहाँ पहुँचेंगे। अगर आप वहाँ पर 8 बजे आपके समय 8 बजे करे कथा 12 तो हम लोग 12:30 तो पार्टी में ठीक है जी। जैसे आज किसको घर में इकट्ठे हुए? अभी आज हम लोग रविंद्र प्रभु के घर पे कल काम इकट्ठे हुए कल प्रभु महाराज जी हमारे घर पे प्रकाश प्रभु के आपका घर। लेकिन जब यहाँ पर 5 बजा होगा आपको वहाँ कितना समय होगा? 9:30 उस समय तक सभी आ नहीं पाएंगे, सभी पहुंच नहीं पाएंगे घर पे।
तो हमारा समय अगर आप 12:30 बजे यानी वहाँ का समय आप अगर 7 बजे आपने अपने समय 7 बजे करे कसा तो हमें ठीक पड़ेगा। जी हाँ नहीं दिन में सुबह 7 बजे तो वहाँ पहुँच जाएंगे बरसाना पहुँच जाएंगे 7 बजे तक हम लोग उस समय फोन करके बात कर लेंगे प्रभु जी देखिए जी हाँ जी हाँ उनके फोन नंबर अभी उसने जो फोन नंबर दिया है ना जी हाँ आप इसी फोन नंबर से बात करना होगा इसी फोन से मैंने आपको राधे राधे।